देखिए, मैं धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि ये एक एक कुश्ती की लड़ाई नहीं है, ये भारत की सभी उन खिलाड़ियों की लड़ाई है जो आज सभी इकट्ठा होकर लड़ सकते हैं, क्योंकि भारत की बेटियों का शोषण किया जा रहा है, खेल का शोषण किया जा रहा है। अगर आज हम इकट्ठा होकर नहीं लड़े तो ऐसे ऐसे लोग आगे आते रहेंगे और भारत की बेटियों का और भारत के खेल का ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है, कितनी उम्मीद आपको? देखिए, हमें उच्चतम न्यायालय से पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने चंद्रचूड़ सर के बारे में जितना भी सुना है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, जितना भी हमने सुना उनके बारे में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। देखिए, बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि वो एक खुद अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हमारे आइकॉन हैं, और उसके बाद भी वो ऐसी ऐसी चीज़ें खुद महिला होकर महिला खिलाड़ियों के बारे में बोल रही हैं, और वह अनुशासनहीनता का बता रहे हैं कि भाई वो बैठे अनुशासनहीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम, कि आप ये बताइए कि जब आपकी एकेडमी और आपके स्कूल को तोड़ा जा रहा था, तब आप ट्वीट कर रहे थे, तब देश की गरिमा को कोई आँच नहीं आ रही थी, जब भी तो देश की गरिमा पे आँच आ रही थी, जब कोई अनुशासन की बात नहीं थी, जब आपके पास तो पावर है, जब आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है, हमारे पास तो हम जो देश की जनता वही हमारी ताकत है।